IVM. 6 जनवरी 2022 क्या इतिहास के पन्नों में अंकित हो पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल। क्या भारतीय टीम की तमन्ना जोहानिसबर्ग के मैदान पर पूरी हो पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय टीम अच्छी 8 गेंदें फेंककर वॉन्डरर्स के मैदान पर वंडरफुल कारनामा कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आज खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर लेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है, मैं हूँ राजीव मिश्रा। मेरे साथ दो खास मेहमान अयाज मेमन सर और राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनसे आज हम जानेंगे कि क्या भारतीय टीम एक वो कारनामा दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर कर पाएगी जो कारनामा आज तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है। फिर वो चाहे हम सौरव गांगुली की टीम को याद करें, अजहरुद्दीन की टीम को याद करें, या महेंद्र सिंह धोनी की टीम को याद करें, विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम इतिहास रचने के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और ऐसे में हर किसी की निगाहें जोहानिसबर्ग के वॉन्डरर्स के मैदान पर टिकी होंगी, क्योंकि भारतीय टीम 2018 में यह कारनामा कर चुकी है और अब बारी 2022 की है। शुरुआत चर्चा की कर लेते हैं आया सर, विराट कोहली को नींद अच्छी आई होगी कि नहीं पहले तो यही बता दें, क्योंकि कप्तान तो ही है ऑफिशियली, भले ही मैच खेल रहे हो ना खेल रहे हो, रात भर करवटे लेते हुए डीन एल्गर की रात कटी होगी या विराट कोहली की? मेरे ख्याल से दोनों ही टीम के प्लेयर्स की रात ऐसी गुजरी होगी, क्योंकि मैच जो है बिल्कुल बैलेंस में है अभी भी। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खास करके दिन के आखिर के 1-1.5 घंटे में, जहाँ पर इंडिया के तेज गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी की अश्विन ने भी, लेकिन विकेट्स नहीं उठा सके। और उसकी खास वजह ये थी कि डीन एल्गर जिस तरह से लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं, स्टाइलिश बैट्समैन है नहीं, अगर आप उनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वापस से नेट प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहिए। राजकुमार अगर वहां पे कोच हो तो डीन एल्गर को बताएंगे कि किस तरह से गेंद के सामने से हट जाए, हिट ना हो बॉडी पे वगैरह वगैरह। लेकिन खासियत डीन एल्गर की इंटरनेशनल क्रिकेट में यही रही, और 2018 में भी हमने देखा था जिस तरह से वो बहुत गट्सी प्लेयर है, बहुत ही इतना रेंज नहीं है स्ट्रोक्स का, ऐसा लग रहा है हर बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हर ओवर में 1-2 बार बीट होते हैं लेकिन खड़े रहते हैं। टेम्परमेंट बहुत सही है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कीमती विकेट है। अगर एल्गर की विकेट पहले 25-30 मिनट में आधे घंटे में मिल जाती है तो रास्ता मिल जाएगा इंडिया को, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग है काफी हल्की और दो अच्छे खिलाड़ी मकरम और पीटरसन दोनों आउट हो चुके हैं, तो एल्गर की अगर विकेट निकलती है तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे इस दिन में। विराट की तमन्ना पूरी होगी राजकुमार सर, और आप तो विराट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, भले ही इस मैच में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, बट उनका दिल उनका दिमाग सब कुछ जोहानिसबर्ग के वॉन्डरर्स मैदान पर लगा होगा, कितनी ब्लैक कॉफी पी चुके होंगे वो रात में? बिल्कुल राजीव, बहुत टेंस रहा है वो, और बहुत डेस्परेट है कि ये मैच हम किसी भी तरह जीतकर सीरीज जीतें, एक इतिहास रचें, और ये बहुत बड़ा इतिहास होगा राजीव अगर हम आज मैच जीतते हैं, और भारतीय टीम कैपेबल है ये करने के। बस वो जैसा अभी आज भाई ने भी कहा कि डीन एल्गर का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत डिटरमिंड है, बहुत खूंटा गाड़ के खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, उनके 4 बॉलें लग चुकी हैं, हेलमेट पर भी बॉल लगा है, उनके शोल्डर में बॉल लगा है, चेस्ट में बॉल लगा, लेकिन वो फिर भी डिटरमिंड है कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, तो उनकी विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत जल्दी उनकी विकेट लेता है तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर होगा साउथ अफ्रीका के ऊपर, और भारत फिर ये टेस्ट मैच जीत सकता है, क्योंकि अगर आप देखें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसको कहा जा सके कि बहुत डिपेंडेबल है एल्गर के बाद कि वो आकर पारी को संभाल लेंगे, तो भारत के पास कैपेबल है भारतीय अटैक, तो आशा है कि जल्दी एल्गर का विकेट मिलेगा और भारतीय टेस्ट मैच जीतेगा। आया सर, ये लेफ्ट हैंडर्स आउट क्यों नहीं होते हैं भारतीय गेंदबाजों, चक्कर क्या है? मतलब जब भी होता है एक कांटे की तरह अटक जाते हैं। अब मुझे 2018 भी याद आ रहा है, मैं वो टेस्ट मैच कवर कर रहा था, 86 रन डीन एल्गर ने बनाए थे और अंत में अंत तक आउट नहीं हुए, एक तरफ से विकेट गिरती रही, कुछ वही तस्वीर की जरूरत है इस समय। कितना इंस्पायर कर पा रहे होंगे 2018 याद दिला के अपने गेंदबाजों को, विराट शमी बुमराह ये सारे मैच खेल रहे थे उसमें, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के लम्हों को बार बार याद दिलाना, खासतौर से जब टेस्ट मैच एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सिर्फ 122 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को और 8 अच्छी गेंदें चाहिए भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। देखिए राजीव, लो स्कोरिंग मैच है तो ये भले ही 120 या 122 जो भी रन चाहिए, ये इतने आसान नहीं होंगे साउथ अफ्रीका के लिए। और हमने जो पैटर्न देखा इस मैच में कि अगर विकेट्स गिरती है तो 3-4 साथ में गिर जाती है, बहुत कम रन में आपको ब्रेक थ्रू जब अगर मिलता है तो 3-4 विकेट साथ में मिल जाती है, फिर कुछ ना कुछ पार्टनरशिप बनती है वगैरह। तो मुझे लगता है कि बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आधे घंटे में ही
एक या दो विकेट अगर निकालती है तो इंडिया ऑन टॉप हो जाएगी। फिर जो है साउथ अफ्रीका को बहुत परेशानी होगी, और खास करके उनका जो उनकी जो टेल है, हाँ रबाडा कुछ लंबे हिट्स लगा सकते हैं लेकिन टिकने वाली टेल नहीं है। और ये जैसे इंडिया की टेल में आपने देखा कि अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी की, शार्दुल ने की, लेकिन वैसे प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। लेकिन अगर डीन एल्गर की खासियत जो मुझे नजर आती है राजीव, और आप तो 2018 में थे, कि वो जितना टफ सिचुएशन होता है अपना गेम उतना उठा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एज अ प्लेयर, कि आपके पास टैलेंट जो नेचुरल टैलेंट है, जो गिफ्ट है, आम प्लेयर से बहुत कम है, लेकिन आपके पास वो क्षमता है कि आप खड़े रह जाए। ओपनिंग बैट्समैन है और बहुत, जैसे राज ने बताया कि सीने पे गेंद लगी है, सर पे लगी है, कांधे पे लगी, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने चोट खाई है, और प्लेयर मिस कितना किया कल उन्होंने, लेकिन नेक्स्ट बॉल जो है वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलते हैं। ये नहीं कि घबरा जाए कि भाई अरे मैं 6 बार बीट हो गया, 7वें गेंद पे आउट हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये जो ऐसा प्लेयर अगर है और कैप्टन भी है तो अपनी टीम को इंस्पायर कर सकता है। और जहाँ एक एंड पे वो मोर्चा उन्होंने जमा दिया है, तो ये सबसे बड़ा कांटा है इंडिया को। डीन एल्गर की विकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो एंड तक खेलते गए तो किसी भी तरह स्टीयर कर सकते हैं अपनी टीम को टारगेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर वो आउट हो जाते हैं तो बाकी जो बैटिंग है वो हड़बड़ा जाएगी। राजकुमार सर, आपसे पहले भी बात हो रही थी फील्ड प्लेसमेंट को लेकर, मेरे लिए बड़ा कंसर्न था कल, क्योंकि थर्ड मैन और पॉइंट रीजन में बहुत ज्यादा रन गए, एजेस बहुत ज्यादा गए। आपको लग रहा है वो ब्लॉक करने की जरूरत है आप, क्योंकि ऐसा विकेट है जहां पे आपके एजेस जाएंगे बाउंड्री पे, और वो जो 4 रन जाते हैं थर्ड मैन पे या पॉइंट रीजन में वो बहुत खलते हैं, कैसे ब्लॉक करें? 122 रन है आपके पास, आपको अटैक भी करना है, डिफेंड भी करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए आज के राहुल की? और क्या ये एक पॉइंट मिस किया राहुल द्रविड़ के राहुल ने, कि आपने एक सर्टेन एरिया को ब्लॉक नहीं किया जब 240 चेस करने उतरी थी दक्षिण अफ्रीका? देखिए राजीव, जब हम अटैक करते हैं तो 2 स्लिप 1 गली या 3 स्लिप 1 गली रखते हैं, और तब आशा करते हैं कि उसके बीच में से थर्ड मैन में नहीं जाएगा। लेकिन जब ये लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो हमने अक्सर देखा है, और जिस तरह का भारत का अटैक है, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे एरियाज में गेंदबाजी हो रही है, शमी हो या बुमराह हो, सिराज हो, वो ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छी लाइन डाल रहे हैं, तो वहां से एजेस लगना भी जरूरी है, और काफी बॉलें थर्ड मैन पर गई भी, तो वहां से काफी रन लीक हुए हैं। लेकिन अभी भी भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहां से हम चौका गए, तो मुझे लगता है कि अभी होमवर्क जरूर किया होगा केएल राहुल ने, राहुल द्रविड़ ने, विराट कोहली ने भी अपना इनपुट्स दिए होंगे कि हम एक स्क्वायरिश थर्ड मैन रख के चल सकते हैं जो कहीं ना कहीं बैकवर्ड पॉइंट को भी कवर करे और थर्ड मैन को भी कवर करे, जहां से हम इजी रन्स लीक नहीं करें। अगर वहां से आप चौके की जगह 1 रन देते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनाएगा साउथ अफ्रीका के ऊपर, और वो इजी रन नहीं मिलेंगे, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी अपने रन बनाने के लिए, और उस मेहनत करने में वो कुछ गलत शॉट भी खेल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत अगर एक फील्डर पीछे डालकर चलेगा तो वो एक बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि इजी रन नहीं जाएंगे, और भारतीय गेंदबाजों के पास ज्यादा रन होंगे अटैक करने के लिए साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के ऊपर। और वैसे भी अगर आप देखें, बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट बल्लेबाजी नहीं करते हैं डीन एल्गर, वो अपनी लिमिटेशन में खेलते हैं, अनलेस एंड अंटिल पूरा ही हाफ बॉल या बहुत शॉर्ट हो, वो ज्यादा शॉट्स नहीं खेलते हैं। तो भारत को कंसिस्टेंटली प्रेशर बना के रखना है, क्योंकि विकेट ऐसा है कि कभी भी असमतल उछाल है, कभी भी बॉल ऐसा आ सकता है कि जो अनप्लेबल हो सकता है डीन एल्गर के लिए भी। तो अगर भारत इजी रन्स नहीं लीक करेगा तो प्रेशर हमेशा साउथ अफ्रीका के पास रहेगा। अगर हम साउथ अफ्रीका को 60-70 रन भी बनाने हुए और 4-5 विकेट भी हाथ में हुए, तब भी भारत ये मैच जीत सकता है। तो भारत को लास्ट मिनट तक इसमें एफर्ट करनी होगी, और मेरा मतलब है कि हार्डवर्क करते रहना होगा, क्योंकि यू नेवर नो विकेट ऐसा है कब ऊंचा नीचा रह जाए और कोई इम्पोर्टेंट विकेट मिल जाए। अच्छा सर, जो बात राजकुमार सर कह रहे हैं उसी बात को बैक किया था चेतेश्वर पुजारा ने कल। चेतेश्वर पुजारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत वेयर एंड टेयर है विकेट में, और चौथे दिन बैटिंग करना उतना आसान नहीं होगा, और उनका ये भी कहना था कि हमने 122 रन अभी भी दक्षिण अफ्रीका को बनाने हैं, यानी स्कोर हमने लगा दिया है स्कोर बोर्ड पे, और काम पिच को ज्यादा करना है। अब मेरा आपसे सवाल ये, पिच तो अपना काम करेगी, क्या भारतीय गेंदबाज कल अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी नहीं कर पाए? जिस तरह से फ्लो हुआ रन कल लास्ट सेशन में, थोड़ा बाजी वहां से हाथ से निकली, क्या कुछ कमी आप देख पा रहे हैं वहां पे, और क्या आज एक्चुअली करना चाहिए? अगर इस तरह से वेयर एंड टेयर है, उनका ये कहना है दरारें और बढ़ जाएंगी, तो क्या राइट एरियाज होना चाहिए और क्या कॉम्बिनेशन के साथ शुरू करना चाहिए भारतीय टीम को? देखिए राजीव, 2-3 चीजें इसमें, जैसे आपने बताया कि एक्चुअली पिच में जो है क्रैक्स आ गए, पुजारा ने भी ये कहा। अगर आप कल देखें इंडिया की बैटिंग में भी ऐसे लगा कि शायद इतने रन नहीं बन सकेंगे, 266, कुछ ऐसे लगा कि लूज गेंदबाजी हुई है,
साउथ अफ्रीका, एक स्पेल निकल जाए रबाडा का तो कुछ ज्यादा रन दे दिए उन्होंने, टारगेट उनके लिए कम होता है। लेकिन इसकी वजह यह है कि एग्जैक्ट स्पॉट जो है ऐसा लग रहा है कि जरा शॉर्ट ऑफ लेंथ डाले तो बेस्ट स्पॉट है। आप ज्यादा आगे डालोगे तो ड्राइव करने का मौका मिलता है, ज्यादा शॉर्ट डालोगे तो पुल कर लेगा और टाइम मिलता है बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने के लिए। लेकिन अगर आप जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हैं तो वहां से पिच जो है, और कल जैसे हमने शार्दुल ठाकुर के एक दो ओवर देखे तो ऐसा लगा कि 130 किलोमीटर पर आवर पे वो फास्ट लेग ब्रेक और फास्ट ऑफ ब्रेक डाल रहे, इतना उतना मूवमेंट था पिच में। तो ये अगर ऐसा इतना ज्यादा मूवमेंट है तो बॉलर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक या दो इंच ज्यादा मूव हो गई गेंद पिच होने के बाद तो वो बैट को मिस कर देगी, और अगर एज लगा तो पता नहीं स्लिप में जाएगी कि कहीं और जाती। तो ये थोड़ा चांसी सिचुएशन है, लेकिन ये जरूर है कि टैक्टिकली फील्ड प्लेसिंग बहुत सही करनी होगी, जो है डिसिप्लिन होना पड़ेगा बॉलिंग में ताकि आप लूज गेंद ना दें और पिच पे भरोसा रखे कुछ ना कुछ सहायता पिच से मिलेगी। लेकिन फ्री में रन जो है जो चार या तीन रन जो मिल जाते हैं जो एक या दो के बजाय, वो रोकने होंगे, क्योंकि हालांकि इतना बहुत डिफिकल्ट है बैटिंग, लेकिन टारगेट 180 200 रन नहीं है, फिलहाल 122 रन है। तो ये अगर आप पहला घंटा वो निकाल लेते हैं, 30-35 रन भी बनाते हैं और विकेट नहीं खोते हैं तो टारगेट बहुत करीब आ जाता है, और फिर आखिर के जो 40-50 रन है वो इजिली आ जाएंगे। तो ये पहले जो एक डेढ़ घंटे का खेल है वो बहुत ही क्रूशियल है। राजकुमार सर, हरजैन जी का एक सजेशन है, उनका कहना है कि विराट को किसी की जगह फील्डिंग करने आना चाहिए और कप्तानी संभालनी चाहिए, क्योंकि 2018 में वो कारनामा कर चुके हैं और उनको जीतना आता है इन परिस्थितियों में। बिल्कुल राजीव, मेरा भी यही मानना है कि अगर ऐसा होगा तो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर चाहेंगे कि मैं जाऊं और हेल्प करूं केएल राहुल को और अपने बॉलर्स को, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा अगर आज भारत ये मैच जीत जाता है, और विराट जरूर चाहेंगे कि वो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, भले वो बाहर बैठे हैं तो चाहेंगे कि मैं अंदर जाकर फील्डिंग करूं और अपनी टीम को इंस्पायर करूं, अपने बॉलर्स को हेल्प करूं, उन्हें आइडियाज दूं कि कहां पर गेंदबाजी करनी है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वो काफी रिस्पेक्टेड कैप्टन है और जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में, और उनका एग्रेशन मुझे लगता है कि शायद इस समय भारतीय टीम को जरूरत है उनके एग्रेशन की, कि वो जाकर अपना एग्रेसिव अंदाज में जाकर वहां केएल राहुल को हेल्प करें और भारत ये टेस्ट मैच जीते। पृथ्वी का एक सजेशन है, या सर आपकी बात को आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं, आपने डीन एल्गर की बात की, उन्होंने उसमें ऐड कर दिया है बौमा का विकेट भी, कि को एकमात्र ऐसे बैट्समैन और नजर आते हैं जो थोड़ा टिक के खेलते हैं, कितना इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं बौमा का विकेट और साथ में एल्गर के बारे में तो हमने बात करी ली है। बेशक, देखिए बौमा इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के बेस्ट बैट्समैन नजर आ रहे हैं, पीटरसन जो है स्टाइलिश है, बौमा जो है कंसिस्टेंट है, हर मैच में अगर आप देखें तो 50-40 बनाए हर इनिंग में, जो मुझे लगता है कि बहुत इनवैल्यूएबल रहे उनकी टीम के लिए। लेकिन जहां तक जो है जो जज्बा दिखाना है या जोश दिखाना है या विकेट पे टिके रहना है, वो काबिलियत डीन एल्गर में जितनी है वो और किसी में नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो बौमा जो है एक्चुअली नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, और इस विकेट पे इतना इजीली आप स्ट्रोक्स नहीं खेल सकते, इसमें आपको लूज बॉल के लिए इंतजार करना पड़ेगा और फिर प्लेसमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा, सिंगल टू स्ट्राइक रोटेट करें वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये अगर जोड़ी सबसे खतरे वाली है इंडिया के लिए, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि डीन एल्गर को अगर आप जल्दी आउट करते हैं तो एक मोराल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा इंडियन टीम का, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम का मोराल नीचे हो जाएगा। तो सबसे बड़ी विकेट जो है वो डीन एल्गर की। बॉलिंग कॉम्बिनेशन राजकुमार जी अगर बात करें, किससे स्टार्ट करना चाहिए आपको लग रहा है, आइडियली विकेट टेकिंग बॉलर जो है वो कौन आपको लगा टेस्ट मैच के तीसरे दिन, और किसके साथ आपको लगता है कि राहुल और राहुल द्रविड़ बातचीत कर रहे होंगे और उनसे शुरुआत कराएंगे, क्योंकि अब एक एक रन जो है बहुत कीमती है इस टेस्ट मैच में। राजीव, फॉर्चुनेटली भारत के लिए कि भारत के तीनों ही फास्ट बॉलर और साथ साथ मैं कहूंगा स्पिनर अश्विन भी, चारों ही अटैकिंग गेंदबाज हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर भारत एक्सपीरियंस के साथ जाता है तो शमी और बुमराह के साथ स्टार्ट करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि सिराज को जो थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग खिंचा था वो अब तक ठीक हो गया होगा, अगर अगर वो ऐसा होता है तो वो एक बहुत जोशीले गेंदबाज हैं, वो एक आधा ऐसा विकेट बीच में से लेकर देंगे कि जिससे इंस्पायर होंगे उनके सीनियर बॉलर्स भी अच्छा करने को। तो मेरा मानना है कि सिराज का फिट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टेस्ट मैच के रिजल्ट के लिए, और शुरुआत मुझे लगता है कि काफी हद तक शमी और बुमराह से ही होगी, और बहुत आशाएं हैं मुझे शमी से, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं राजीव, बेस्ट फॉर्म में है वो, अपने पीक पर मैं कहूंगा वो
अपनी गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या लाजवाब उनका रनअप आ रहा है और जिस तरह वो रिलीज कर रहे हैं वो देखते ही बनता है, याद दिलाते हैं वो पुराने वेस्ट इंडियन फास्ट बोलर्स की जिस तरह मेलकम मार्शल गेंदबाजी करते थे जी। तो बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद शमी, थोड़ा सा लक फैक्टर है और अगर वो उनका साथ देगा तो मुझे लगता है कि वो किसी भी टीम को धाराशाही कर सकते हैं और आज तो जरूर भारत को मैच जिता सकते हैं। तो चलिए के राहुल की कैप्टनसी पे बातचीत करेंगे और भारतीय बल्लेबाजों का जो अप्रोच रहा, क्या उन्होंने इस बाजी को हाथ से निकल जाने दिया खराब बल्लेबाजी करके, इस पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आयाज सर और राजकुमार सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। हम बात कर रहे हैं जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल की और क्या भारतीय टीम इतिहास रच पाएगा, इस पर आगे बातचीत जारी रहेगी हमारी। आयाज सर, के राहुल की कैप्टनसी को लेकर हर्ष जैन ने एक सवाल उठाया है कि वो कैप्टनसी मटेरियल लगे ही नहीं, आउट ऑफ सोर्स लग रहे थे और बिल्कुल उनमें मतलब वो लीड करने वाली क्षमता नजर नहीं आई। देखिए, आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं ना, आप सेब और संतरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो विराट कोहली है वो बिल्कुल इन योर फेस है, वो हर सिचुएशन में आप अगर एक भी तस्वीर देखें जब विराट कोहली खेल रहे हैं तो वो सबके बीच में खड़े रहते हैं और सब उनके इर्द गिर्द है, तो वो बड़े ही यू नो कम्प्लीटली इन्वॉल्व कैप्टन जैसे नजर आते हैं। कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं जो अपना डिसीशन ले लेते हैं, जो प्लेयर्स को समझा देते हैं और फिर प्लेयर्स पे डिपेंड करता है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। और मेरे ख्याल से ज्यादा सख्ती से नहीं देखना चाहिए, ये बहुत न्यू है, अभी बिल्कुल नए कैप्टन है इंडिया के लिए, इससे पहले कैप्टनसी टेस्ट मैचेस में नहीं की उन्होंने, तो ये कैप्टन फिलहाल मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन अब तक के जो मैच हुई है, मैं एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ आपकी भी और राज से कि आज जो है बिल्कुल टोटल अग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि ज्यादा रन है नहीं। आप ये मैच हारोगे या जीतोगे पहले एक डेढ़ घंटे में, और वो एक डेढ़ घंटे में आपको फुल थ्रॉटल पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलना होगा। और किस तरह से आप फील्ड लगाते हैं, किस तरह से आप बॉलर से बात करते हैं, क्या लाइन बताते हैं उनको, क्या बॉलर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो पहला घंटा है जिसमें शायद चार पांच ओवर बुमराह डालेंगे, चार पांच ओवर शमी डालेंगे, ये बहुत ही क्रूशियल है। बुमराह और शमी पिछले गेम में भी बहुत ज्यादा उन्होंने विकेट्स लिए थे और आज जो है वो विश्व के शायद सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में चार पांच छह में उनकी गिनती होती है, तो अगर ये अच्छे फॉर्म में विकेट्स निकालते हैं तो इंडिया के चांसेस जीतने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए अब थोड़ी बात भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पे भी कर लेते हैं। राजकुमार सर, एक सवाल है हमारे क्रिकेट फैन का, उनका पूछना है कि राजकुमार सर क्या आपको लगता है रहाणे और पुजारा अब अगला मैच खेलेंगे, जिस तरह से उन्होंने अर्धशतक तो बनाया लेकिन दोनों ने विकेट थ्रो किए अपने। देखिए, दोनों के ऊपर काफी प्रेशर था इस इनिंग से पहले, सभी जानते हैं और हर बल्लेबाज भी समझता है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, मुझे अपनी जगह सीमेंट करनी है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो काफी शानदार पारी खेली दोनों ने और मैं ये नहीं कहूंगा कि विकेट थ्रो किया उन्होंने, गेंदे अच्छी पड़ी है दोनों को और ऐसा नहीं कि उन्होंने विकेट थ्रो किया। हाँ, वो बेहतर कर सकते थे इससे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत इरेस्पॉन्सिबल वो ऋषभ पंत जैसा शॉट मारकर आउट नहीं हुए हैं वो। और ये एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा जब कप्तान विराट कोहली लौटेंगे, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी राजीव हनुमा विहारी ने की है दोनों पारियों में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कप्तान हनुमा को बाहर बिठाएगा। कहीं ना कहीं अब टॉसअप होगा बिटवीन रहाणे और हनुमा विहारी। मुझे लगता है कि शायद पुजारा तो तीन नंबर पर खेलते हैं, तो क्योंकि हनुमा चार पांच नंबर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी में से एक जन बाहर बैठेगा अगर बाकी सब फिट रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल चॉइस होगी विराट कोहली के लिए। आप क्या कहते हैं आयस भाई, कि क्या लगता है आपको कि दोनों में से अगर अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी में से चॉइस होगी तो विराट किसके साथ जाएंगे? बहुत डिफिकल्ट चॉइस है राज, बिकॉज दोनों ही ने रन बनाए, दोनों बहुत प्रेशर में थे और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे तरीके से बनाए, बड़ा अट्रैक्टिव इनिंग्स खेला, खास करके पुजारा ने जो हमेशा देखते हैं हम कि बहुत बहुत स्लो स्टार्ट होता है उनका, रहाणे ने भी अपना नेचुरल अटैकिंग नॉक खेला, तो दोनों ही, और हनुमा विहारी जिस तरह से सॉलिड, बहुत सॉलिड नजर आए। खाली एक मैं कह सकता हूँ बात, कि जब टेल एंडर से
नंबर 10 11 11 साथ में थे तो शायद थोड़े और अटैकिंग खेल सकते थे, लेकिन यू नो गलतियां निकालना मेरे ख्याल से इस वक्त फजूल है, क्योंकि इनिंग जो उनकी थी बहुत, उसी वजह से 266 तक इंडिया पहुंच सकी। अनुभव विहारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी हम ऑस्ट्रेलिया की पारी देखें या अब जब भी वो खेले हैं, वो मैन ऑफ क्राइसिस लगते हैं कि जिस तरह का वो बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरह का टेम्परामेंट है, उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। तो एक ऐसा बल्लेबाज शायद मिडल ऑर्डर में भारत को चाहिए जो कि स्टडी हो काफी और जिसे कहते हैं ना लंकर खेलता है, एक खूंटा पकड़ कर खेलता है क्रिकेटिंग लैंग्वेज में। तो मुझे लगता है कि शानदार टेक्निक है उनकी और अच्छा टेम्परामेंट है, तो मुझे लगता है कि कप्तान जरूर प्रेरित होंगे उनको अपनी 11 में रखने के लिए। ऋषभ पंत को 11 में रखना चाहेंगे राजकुमार जी? देखिए ऋषभ पंत एक अच्छे प्लेयर है, मेरा मानना है कि सर मेरा बड़ा सिंपल, दो दो पारियां छोड़ दीजिए अगर आप, एक गाबा में और दूसरा चेन्नई के जो उन्होंने शतक लगाया था अहमदाबाद में, उसके अलावा पिछले 2.5 साल से आप उनके शॉर्ट सिलेक्शन देखिए और जिस तरह से वो रैश शॉर्ट्स खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्या वो आइडियली अब उनकी जगह बनती है टेस्ट क्रिकेट में? देखिए राजीव अगर पिछली इनिंग का शॉट देखें तो शायद मुझे याद आता है कि कपिल देव अपनी लाइफ में एक ही बार ड्रॉप हुए थे दिल्ली में जब उन्होंने एक खराब शॉट खेला था, लेकिन शायद अब लिबर्टी दी गई है ऋषभ पंत को कि मतलब क्योंकि उनका स्ट्रोक प्ले ही है, उनका स्टाइल है खेलने का और इसी तरह वो अपने रन बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें इम्प्रूव करने की, शॉट सिलेक्शन बेटर करने की जरूरत है ऋषभ पंत को। आया सर कुछ कहना चाह रहे थे आप, और मैं सिर्फ एक एड ऑन कर दूं, पृथ्वी जी ने लिखा है कि सिंपल क्वेश्चन, इज ऋषभ पंत जस्ट प्लेन अनप्रोफेशनल? हाँ, देखिए जैसे राज ने बताया कि 1984-85 में ये इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था जब डेविड गावर टीम लेके आए थे और इंडिया जो है वो दिल्ली में मैच हार गई और दो प्लेयर्स ड्रॉप हो गए थे इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए, संदीप पाटिल और कपिल देव, और वो एक ही बार जो मैच किया कपिल देव ने वो ही थी कलकत्ता में नहीं खेले। तो उस वक्त के सिलेक्टर ने ये डिसीजन लिया कि भाई नहीं, ऐसा अगर आप स्ट्रोक खेलते हैं और टीम हारती है, और वो सीरीज हम हार गए राजीव, वो सीरीज हम इंडिया हारी थी 2-1 से, तो इसका काफी अंजाम जो है बहुत यू नो कठिन हो सकता है जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि उस वक्त अगर वो 25-30 रन भी बना लेते हैं संभल के खेल के, तो फिर ये मार्जिन जो है आपका आज 120 के बजाय 150 का टारगेट चेस करना पड़ता न्यूजीलैंड को और वो साउथ अफ्रीका को, और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये जरूर है कि ऋषभ पंत जिस तरह के बल्लेबाज है, जो उनका अप्रोच है, उनको लाइसेंस टू किल दिया गया है, वो टीम के जेम्स बॉन्ड है, लेकिन कभी कभी मेरे ख्याल से मैच सिचुएशन समझ के खेलना पड़ता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्थिति थी इंडिया की कि अगर आप थोड़ा सा और समय निकाल लें रबाडा के खिलाफ, वो थक भी रहे थे, तो आपको मौका मिलता था और रन बनाने के लिए, और उनके पास वो गेम है, ऑफ बीट गेम है, अनऑर्थोडॉक्स गेम है जो आप रन बना सकते हैं, जहाँ दूसरे प्लेयर जो है वो इतनी इजीली रन नहीं बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप होंगे वो, बट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रैप ऑन द नकल्स, राहुल द्रविड़ ने जरूर दिया होगा उनको, फुट रूलर से टीचर्स हमको देते थे ना यहाँ पर कि क्या बदमाशी कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लेजिंग भी हुआ उनके अगेंस्ट ना, शॉर्ट लेग से उनको कुछ बोला गया तो शायद उसको वो संभाल नहीं पाए और रैश शॉट खेल बैठे, और बाद में जरूर रियलाइज कर रहे होंगे कि ये गलती हुई है उनसे, और वो खुद भी काफी मतलब स्लेजिंग करते हैं बल्लेबाजों को, तो कहीं ना कहीं उन्हें समझना होगा कि जो उनका रोल है अगर उनके ऊपर किया जा रहा है तो वहां उन्हें संभालने की जरूरत है, वहां खराब शॉट नहीं खेलना है अगर कोई स्लेजिंग कर भी रहा है उनके अगेंस्ट। राजकुमार सर लेकिन जो मेरा क्योंकि कंसर्न इसलिए है कि मैं कई मैचों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो स्टेप आउट करते हैं फास्ट बॉलर को और आउट होते हैं और एज लगता है उनका, अब ये बात तो उनको बतानी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को कि ये टेस्ट क्रिकेट है, आप इसको मजाक में ना लें। मुझे लग रहा है वो इन दिनों टेस्ट क्रिकेट को या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी जगह को, जो शायद ठीक नहीं है। अगर आप इनको ड्रॉप करें तो शायद इनको सबक मिले, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत नेचुरल बैट्समैन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर ग्रांटेड ले, उनकी बैटिंग देख के आप लगता है कि वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कैचेस भी छोड़ रहे हैं, आप देखिए कितने कितना इंपॉर्टेंट कैच उन्होंने छोड़ा पहली पारी में, तो कैचेस भी छूट रहे हैं उनसे, तो ओवरऑल अगर आप कैच भी नहीं पकड़ रहे हैं, आप रन भी नहीं बना रहे, तो फिर बोझा लेके हम क्यों चले टीम के साथ। देखिए राजीव जहां तक विकेट कीपिंग की बात है तो उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है, अगर आप शुरुआत उनकी देखें कीपिंग जिस तरह वो करते थे तो वहां से उनकी कीपिंग में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और उसके लिए शायद उन्होंने काफी मेहनत की है और जिसी का नतीजा है, कैच जरूर उनसे छुटा है, कैच किसी से भी छुटता है, कोई भी कैच छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हाँ ये गलती उनसे हुई है कि उनसे कैच छुटा है, लेकिन
बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि और उन्हें ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो खड़ा रहेगा तो दूसरी टीम हमेशा बैकफुट पर ही रहती है कि ये कब निकलकर छक्का मार देगा या कब क्या कर देगा। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सिलेक्शंस बेटर करने की जरूरत है ऋषभ पंत को, थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना इम्प्रूव करने की जरूरत है कि अगर हॉस्टाइल गेंदबाजी हो रही है जैसे कल रबाडा कर रहे थे तो उसको वो सी थ्रू कर देते तो उसके बाद के गेंदबाजों पर वो अटैक कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेने के जो जरूरत है उनको वहां पर शायद जरूर राहुल द्रविड़ और विराट कोहली उनके साथ काम करेंगे कि आपको किस तरह बॉल चूज करनी है अपनी मारने की। वो मुझे लगता है कि शायद उन्हें वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग दिखानी चाहिए कि जब उनकी स्लॉट में होती थी तो सहवाग किस तरह कितने खतरनाक बल्लेबाज होते थे और बाकी गेंदे वो छोड़ते थे अच्छी गेंदे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी से सबक लेने की जरूरत है ऋषभ पंत को। आया सर, क्योंकि बल्लेबाजी पे बात हो रही है, हनुमा विहारी ने जिस तरह से आखिरी विकेट पे सिराज के साथ बैटिंग की, एक तो बहुत ही कूल लगे दिमाग से और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना, मुझे लग रहा है वो जानते हैं। अगर थोड़ी बहुत बुमराह जिस तरह से उनका भी विवाद हुआ यानसन के साथ, वो अगर थोड़ी देर खड़े होते, ये जो नीचे का अचानक बिखरना, इससे पहले हमारे जो लोअर ऑर्डर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, इस मैच में लोअर ऑर्डर बिखरा और ओनली ड्यू टू टेम्परामेंट, क्यों आप अपने टेम्परामेंट को संभाल नहीं पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राहुल द्रविड़ जैसे कोच आए, टेम्परामेंट तो और अच्छा होना चाहिए, असर ही तो और खराब होता जा रहा है मैदान पे। नहीं, मेरे ख्याल से टेल एंडर्स पे अब जिम्मेदारी बन गई है हर टीम के लिए कि आप कम से कम 15-20 रन कंट्रीब्यूट करें, यानी आपको नेट्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट निकाल रहे हैं तो बैटिंग को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। पिछले सीरीज में हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ कि एक मैच हमने बुमराह और शामी की वजह से जीत, जिस तरह से उनकी पार्टनरशिप हुई। इस मैच में भी राजीव, एक्चुअली हमारा टॉप ऑर्डर जो है पहली इनिंग में आपको अश्विन ने जो है बचाया, अच्छा कंट्रीब्यूशन था उनका। दूसरी पारी में शार्दुल ठाकुर, अश्विन, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था। तो लोअर ऑर्डर में ये जिम्मेदारी आ तो रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि शामी, बुमराह और सिराज को तीनों को ये एज अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन ये चल के ये सोच के उतरना चाहिए मैदान पे कि हम तीनों को कम से कम 50-60 रन कॉन्ट्रीब्यूट करना है, यानी 15-20 रन अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और अगर टेल एंडर्स इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो सामने वाले की जो उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीजें जैसे हम हमेशा, और ये तो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री रही है, राज को याद पता होगा आपको भी, कि हम ऊपर के ऑर्डर टॉप ऑर्डर को निकाल देते हैं विकेट, लेकिन टेल एंडर्स को निकालने में बहुत तकलीफ हो जाती है। हाथ ही निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है सर, हमेशा पूंछ अटक जाती है। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि किस तरह से हम फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं उनके सामने वाली टीम को। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प आज का सिनेरियो है एज अ टेस्ट मैच अगर आप देखें। और न भूलें कि अपसेट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जैसा हमने देखा बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली फाइनल, एक केवल विलियमसन नहीं थे बाकी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी और काफी बुरी तरह हारी है न्यूजीलैंड। तो ये नहीं है कि उलटफेर नहीं हो रहा है, बल्कि मैं मानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट इतना एक्साइटिंग हो गया है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट अनफोल्ड हो रहा है हमारे सामने। खाली ये इंग्लैंड की धुलाई हो रही है एशेज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @RajivMish, मेरा ट्विटर हैंडल है @CricketValla, आया सर का ट्विटर हैंडल है, और @RajkumarCricket आप राजकुमार सर को सीधे सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, स्पोटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Anil Vishwanathan of Mondelez India. They discuss the beloved Cadbury brand and its campaigns over the years. On Speakeasy, Dheeraj is in conversation with Ranjit Pratap Singh, the CEO and co-founder of Pratilipi. Hey, that's our parent company. They talk about how Ranjit tapped into the need for non-English storytelling content and created a company with over 30 million readers worldwide. On Smarter with Sid, resolved to have better resolutions. Sid tells us how understanding the difference between objectives and outcomes can be liberating. On Tere Mere Raaste, Keshu takes us to Dubai, world of skyscrapers, world-class infrastructure, glittering malls, and massive boulevards.
On the Life Manifesto, Zarina goes over the concept of self-abandonment. She explains the do's and don'ts of dealing with it. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Paisa podcast. And I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you, folks.